बसमिलो कैसे आपके फैसलो करम से आप लोगों की दुआओं से अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक और दुआ करती हूँ किल्ला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे खुश रखे आबाद रखे आज़माशों से चाहे बीमारी से चाय आमीन तो रात को हम लोग बहुत लेट पहुँचे और अभी हम लोग जो आज का करते हैं सबसे पहले तो नाश्ता करेंगे और यहाँ जो वो गार्डन में बहुत ही खूबसूरत चेरी का जो वो पौधा लगा हुआ और बच्चों ने चेरी वगैरह तोड़ी और अभी हम लोग खाने वाले हैं चेरी वगैरह खाएंगे इस रात साहब जो है वो बंदर की तरह पौधे पे चढ़ गया और कहता है मैं तोड़ के लाता हूँ तो इसी के साथ हम लोग जल्दी से नाश्ते का अरेंज करते हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही ख़ूबसूरत पॉइंट पे और साथ में जो वो हम लोग कुकिंग वगैरह भी करेंगे और बहुत ही खूबसूरत पॉइंट पे आपको व्यू करवाएंगे सबसे पहले तो हम लोग करेंगे नाश्ता तो नाश्ते में आज क्या बनने वाले चले हैं अब देखते हैं जी आज क्या क्या मिलता है इनके नाश्ते में इनके यहाँ जो है वो बहुत ही जो इनका ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है ना उसमें थोड़ी बहुत बोलो आजमत हम लोग सेलेक्ट करेंगे ताकि हम लोग इनका जो ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट में कुछ चीज़ें आती हैं वो टेस्ट कर सकें तो नंबर वन पे ये रोटियाँ ये पराठे जो कि हम घर में अगर होते तो कभी भी ऐसे पराठे ना खाते लेकिन लेकिन ये यहाँ खाने पड़ेंगे और साथ में ये इनकी ट्रेडिशनल एक रोटी है तो नाम मुझे नहीं है इसका पता क्या है लेकिन इसको ये चाय वगैरह के साथ जो वो खाते हैं इन यहाँ इधर क्या होता है जो इनके जितनी भी रवायती रोटियाँ वगैरह हैं ना उसमें खमीर ज़रूर करते हैं ये कुछ इस तरह से इनका जो वो चलता है तो अभी हम लोग नाश्ते के लिए बैठ चुके हैं जल्दी से करते हैं नाश्ता और फिर चलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट पे जहाँ जो वो चाहते ही आपका दिल खुश हो जाएगा फाइनली हम लोग ने पैकिंग वगैरह कर ली और अभी जो है वो हम लोग जल्दी से गाड़ी में सारी जो वो चीज़ें शिफ्ट करेंगे ये लेकिन उससे पहले देखिए माशाल्लाह से इन्होंने जो कुछ अपने रवायती बर्तन यहाँ सेव करके रखे हुए हैं हमारे क्या होता है कि आ रवायत को भूलते जा रहे हैं लेकिन 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 इन्होंने अभी भी जो है उनको सजा के रखा हुआ ये दिखने में कुछ भी नहीं लग रहा लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है ये है ड्राई फ्रूट सर्विंग प्लेट जिसमें जो है वो खुद ब खुद जैसे इसको खोलते हैं इसमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं और सर्विंग कर देते हैं फातिमा बच्चे माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं फिर की माँ शरारती बहुत शरारती करती है ये तो चलते हैं जी अभी लेकिन हमें जो वो निकलने से पहले हम लोग ने जो सामान कुछ जो हमें ज़रूरत का सामान था वो हमने लिया है बाकी सारा हमने रख दिया है और अभी हम लोग जो वो फाइली नाश्ता करके अलहमदिल्ला नाश्ता मज़े का था लेकिन घर वाला नाश्ता नहीं मिलेगा ये आप बात सोचें कि जब आप जो वो आएँ तो आपको घर वाला नाश्ता मिलेगा ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं हो सकता तो सेलिंग के लिए हम लोग निकलने वाले हैं जहाँ कहते हैं जी बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है बहुत बड़े जो वो यहाँ फार्मिंग भी है साथ में और साथ में जो वो ग्रीन जो वैली है लेकिन उससे पहले हमें जो चलना होगा रास्ता दिखाते हैं आपको देखिए पहाड़ों में पौधे और ग्रीनरी पैदा करना बहुत मुश्किल काम है और वो भी चले खटे पहाड़ों में लेकिन ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत से इन्होंने अपनी वैली को एकदम जो वो लश्क्रीन किया होता है बहुत ही अच्छा लगता है याद रहें कि जब आप वैली में पहुँचते हैं ना बहुत ज़्यादा ठंडक फील होती है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ का मौसम कैसा है यहाँ का मौसम दिन के टाइम गर्म और रात में ठंडा होता है तो अभी हमारी नीयत थी कि हम लोग जो वो आज यहाँ पोलो की होती है वो देखेंगे तो उसके लिए हम लोगों ने घर से तो निकल पड़े लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम जो कुछ डिस्टेंस के बाद हम लोगों ने ये सोचा है कि सबसे पहले हमें जल्दी से जो है ना कहीं स्टे करके और वहाँ जो अपने आज की रिहाइश का इंतज़ाम करना होगा ताकि हम लोग ईजीली जो वो जब वापस आएँ तो हमें कोई मुश्किल ना हो हम लोग जल्दी से जो वो अपने रूम में शिफ्ट होने वाले बढ़े क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी भी पॉइंट पे जा रहे होते हैं ना जाते वक्त तो आप एकदम फ्रेश होते हैं और एकदम जो एक्साइटेड होते हैं लेकिन जब वापस आते हैं तो थके होते हैं तब फ़ौर से आपका जो है ना रूम चाहिए होता है तो बस रूम में आप रेस्ट कर सकें तो इसलिए हम लोग जो पहले से उसका बंदोबस्त करेंगे उसके बाद जाएंगे तो आज का जो रूम हमने सेलेक्ट किया है वो इस खूबसूरत पॉइंट पे है और ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ उन्होंने बहुत ही ख़ूबसूरत एक लॉन्न बनाया हुआ जहाँ जो, जो आप बैठ के इंजॉय कर सकते हैं और इसके जो एक साइड पे जो पानी चल रहा है दूसरी साइड पे पहाड़ है और अगर आप लोग जो आते हैं टूर पे तो उसके लिए मैं आपको यही कहती चलूँगी कि आप हमेशा ऐसी जगह पे स्टे करें जहाँ जो रश ना हो एकदम पुरसकून हो मतलब यहाँ लोग बहुत कम हो ऐसी जगह पे अगर आप स्टे करेंगे ना तो आपकी जो पिकनिक है ना और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी तो फाइनली हम लोगों ने ये वाला होटल जो है ना सोचा है कि यहाँ पे रात पे हम लोग स्टे करेंगे अभी हम लोग जो वो निकलते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ साथ में जो जो पानी बह रहे चश्मे बह रहे हैं और साथ में जो वो हमें होटलिंग भी मिल गई तो अच्छा हो गया ना अभी आसानी रहेगी हमें शाम में शाम में खूब हम इंजॉय कर सकते हैं यहाँ बाहर निकल सकते हैं चाय इंजॉय कर सकते हैं ठंडे ठंडे मौसम में आपको बता चाय हो और आपका हम सफ़र आपके साथ हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और फातमा माशाल्लाह से देखें कि ठंडे मौसम में मैंगो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आता है जब आपको ठंडे मौसम में मैंगो मिल जाता है क्योंकि मैंगो को देख के ही मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि सबका जो यकीन सबका पसंदीदा होगा मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मीठा होता है ना उससे बहुत मज़ा आता है चलते हैं जी अभी हम लोग निकल पड़े और देखते हैं इधर क्या होता है कि रास्ता पूछने पे क्या मालूम होता है कि बस एक घंटे का सफ़र है और लेकिन यकीन हकीकत में क्या होता है कि अगर आप गाड़ी पे हैं तो आपका सफ़र वो दो घंटे में था और इनको नज़दीक लगता है और कुछ ही इनकी जो वो ट्रैवलिंग की रूटीन होती है इन लोगों को जो वो बात याद होते हैं शायद कुछ है। इसलिए हम लोग जो फ़र्स्ट टाइम आ रहे होते हैं इसलिए हमें याद भी नहीं होता हम स्लो स्लो, स्लो चलते हैं और यहाँ जो वो लोग पोलो के लिए निकल रहे हैं खेलने के लिए अभी अगर हमें कोई मिलेगा ना तो फिर उससे करेंगे बात पूछेंगे जी कितने बजे यहाँ गेम होती है क्योंकि इनका वो टाइम फिक्स होता होगा और अभी जिस ग्राउंड में पोलो खेली जा रही है वहाँ हमने पता है कि वहाँ जो फुटबॉल टीम खेल रही थी तो हम लोगों ने बई जान से पूछा कि आप लोग कितने बजे जो वो खेलते हैं क्या कोई टाइमिंग है आपकी तो उन्होंने पूछने पर बताया जी हाँ हम लोग जो यहाँ तकरीबन तकरीबन पाँच बजे जो गेम स्टार्ट होगी और चे बड़े ऑफ हो जाएगी लेकिन हम लोग अभी निकलने वाले उम्मीद करती हूँ कि हम लोग इन शाला पाँच बजे तक जो वो पोलो ग्राउंड में आ जाएंगे और फिर हम लोग गेम देखेंगे तो जनाब यहाँ देखिए माशाल्लाह से यहाँ बुज़ुर्ग क्या करते हैं कि इकट्ठे होके बैठे होते हैं ऐसे ही लगता है कि जैसे ही जो वो बिल्कुल फ्री हैं लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है हमारे यहाँ बुज़ुर्ग भी काम करते हैं बूढ़े होने तक इवन के दुनिया से जाने तक काम करते हैं यहाँ ऐसा नहीं है पता नहीं इन लोगों का गुजारा फिर कैसे होता है अगर हमारे लोगों बुज़ुर्गों का गुजारा नहीं होता तो उनका कैसे होता होगा तो यकीन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमें बुज़ुर्गों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए फ्री रहना चाहिए उनको थोड़ी गपशप थोड़ा इन्जॉयमेंट का मौका देना चाहिए हमारे यहाँ बुज़ुर्ग कुछ ज़्यादा ही काम करने लग गए हैं चलें जी अभी बच्चों को लग चुकी थी थोड़ी हल्की पुल्की से वह कुछ सा खाना चाहते थे और हम लोग जो वो यहाँ अभी रुके हैं देखते हैं बच्चे क्या लेते हैं तो देख लें बच्चों की हरकतें देख लें मुझे इनकी हरतें देख पे ना बहुत ही री होती है बस इनको क्या चाहिए होता है स्पाइसी स्पाइसी चीज़ें तो ऐसी चीज़ें बच्चों को देना ठीक नहीं है और ये देखिए सब ने क्या लिया मिर्ची वाली लेस अभी जनाब आएंगे ना तो पता नहीं क्या बोलेंगे तो जनाब को मैं बोलती हूँ जी पेमेंट कर दें तो पेमेंट करने आगे देखते हैं शाम की मुझे लगते कैंसिल हो गई है मम्मी साहब क्या पता नहीं क्या उसको बोल रहा है आप क्या चाहिए अब बाहर आएगी कोई चीज़ तो फिर पता चलेगा तो फातमा फातमा की भी कैंसल हो गई फातिमा को फाइनली मिस वाली चीज़ बाबा जान ने छीन ली फ़ातमा से ना अभी देखते हैं क्या लेते हैं बिस्किट ओ दोनों ने बिस्किट लिए मिर्ची बेचारों की चटपटी सी जो है ना वो मीठी मीठी हो गई ना चलते हैं अभी भी यहाँ पेमेंट हो गई और लोग देखे बैठे कैसे इंजॉय कर रहे हैं साथ में अपना काम भी कर रहे हैं बस जस्ट इंजॉय नहीं है साथ साथ में काम भी है खैर बच्चे तो काम करते हैं बेशक कम करें से ज़्यादा लेकिन बुज़ुर्ग जो अच्छी बात है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बुज़ुर्ग बैठ के तो पुसकून से ज़िंदगी गुजार होते अच्छा लगता है बस कुछ ऐसा ऐसा होना चाहिए होना चाहिए तो फाइनली हम लोग आगे सीलिंग पे पहुंच के तो बहुत दूर था यहाँ से हम लोग कहाँ खपलू से निकले थे और खपलू से लेके कर यहाँ तक आने में हमें, हमें काफ़ी टाइम भी लगा और माशाल्लाह से देखिए बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है और यहाँ पे जो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी है इसके साथ जो वो अगर, अगर आप शूट करना चाहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है आप लोग अगर खपलू आएँ तो ज़रूर इस पॉइंट पर आएगा फ़ाइनली uh, देखें इनके हर्ष बहुत प्यारे हैं यहाँ बैठ के और बिल्कुल शोर नहीं है ना मैं यहाँ बैठ के आप जो पुर सुकून दो चार घंटे जो है वो गुजार सकते हैं और यहाँ की जो ब्यूटी है वो देखते ही देखते आपके दिल खुश हो जाता है सफ़र की थकावट उतर जाती है तो फाइनली ये देखें बहुत ही खूबसूरत वैली है लेकिन अगर हम लोग जो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके आए हैं और बहुत अच्छा लगा और यहाँ जो है वो कुछ खाए पीएंगे और इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ दो फार्म हैं और दोनों में जो है वो बहुत ही ब्यूटी है हम लोग टॉप पे आगे यहाँ यहाँ से जो है वो आप शूट कर सकते हैं यहाँ पूरा पूरा जो एरिया है यानी कि सेलिंग का वो सारा आपको नजर आएगा और यहाँ से जो है वो आप लोग बहुत ही खूबसूरत पिक्चर जो वो कैप्चर कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं अपने स्टेटस पे बिल्कुल जहाँ जाए यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं गुलाब बहुत खूबसूरत लगा हुआ है यहाँ और फिश जो है वो यहाँ से आप जो वो कैच कर सकते हैं अपनी नज़रों के सामने और कीच करने के बाद जो है आप उसे कुक भी कर सकते हैं तो कुछ इस तरह के इनके कमरे यहाँ जो सर्विंग वगैरह करते हैं यहाँ सारी जो इस तरह से मुझे इन लोगों की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी वो ये कि सामान बहुत ज़्यादा नहीं है जस्ट कारपेट बिछे हुए हैं बिस्तर एक साइड पे बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना कोई सेफ ना कोई बर्तनों का झंझट ये वो बस लिमिटेड सी चीज़ों में जो वो अपना गुजारा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा ना टेंशन फ्री तो अभी हम लोगों ने फाइनली बहुत ही खूबसूरत जो वो पॉइंट का आज विज़िट कर लिया है देखते हैं अगर हमें जो वो टाइम मिला तो किसी और पॉइंट पर भी इन शाला चलेंगे आ, मेरी ये कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं ना वो व्यू करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ ताकि अगर आप लोग यहाँ आएँ तो आप लोगों को मुश्किल ना हो और आप लोग जो ईज़िल पॉइंट को सिलेक्ट करके आएँ कि हम लोग यहाँ डे वन गुजारेंगे यहाँ डे टू यहाँ थ्री और ईज़ीली अपने टूर को जो है ना इंजॉय कर सकें इसलिए जो वो साथ साथ में जो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने करना है और मैनेज किस तरह से करना है वो भी बता रही हूँ बुकिंग पहले क्योंकि वीकेंड पे स्पेशली अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोगों को बुकिंग पहले करवानी होगी फाइनली हम लोग वापसी के रस्ते पे निकल पड़े और अभी जो वो हमें लग चुकी है जोन की बुक तो हम लोग क्या करेंगे खाना बनाएंगे इंशाल्लाह आज खुद खाना बनाएंगे तो देखते हैं जी कितने बजे हम लोग घर पहुंचते हैं हमारी पोलो गेम कहाँ तक रहती है देखते हैं हम लोग जल्दी से पोलो गेम पे पहुँचने पहुंचने की कोशिश की लेकिन क्या हुआ हम लोग लेट हो गए हम लोग नहीं पहुंच पाए ना हम लोग सात बज के आते आते और अभी हम लोग जल्दी से बनाने लगे हैं पलाव पुलाव मटन पुलाव बनाएंगे यूनिक और जल्दी से बनना चाहिए और मज़े का होना चाहिए बस इतना दो चीज़ें हैं तो काफ़ी हैं हम लोग ईजीली मैनेज कर सकते हैं लिमिटेड ऑयल उसमें थोड़ा प्याज कहते हैं जी प्याज के बिना पलाव कैसे बनता बन सकता है अगर आप बनाना चाहें तो बिल्कुल बन सकता है इसके साथ टमाटर ले लें दो तीन और प्याज जो आपने मीडियम साइज़ की एक ले लें इसको बारीक काटें हल्का सा है इसको फ्राई करें कलर आने तक और मम्मा साहब पूछ रहे मम्मा जान कब तक कब तक खाना बनेगा भूख लगी हुई है ना इसलिए इसके साथ कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हैं और जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाए प्याज उसके बाद इसमें खड़े मसाले शामिल कर लीजिएगा और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा साथ में थोड़ा नमक शामिल करिए जिससे क्या होगा जल्दी से झटपट से जो है ना प्याज और मसाले फ्राई हो जाएंगे इसी के साथ इसमें जाएगी टमाटर टमाटर आपने दो लेने मीडियम साइज़ के दो टमाटर लें चम्मच जलाएँ तो मसाला जद को जलने से बचाएँ इसके बाद हल्का सा स्टीम दिया तो देख सकते हैं कि बेहतरीन फ्राई हो चुकी है इसके बस सुरख़ में थोड़ी सी शामिल कर लीजिएगा इसमें तकरीबन एक खाने का चम्मच शामिल कर लें हल्के से चम्मच चला के इसको पकाएं इसके बाद इसमें जाएगा मटन मटन यहाँ जो वो दो किलो मैंने लिया है क्योंकि मटन पलाव हो यूनिक वाला और उसमें मटन का टेस्ट ना आए ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे नहीं होना चाहिए ना अगर मटन पलाओ खा रहे हैं तो उसमें टेस्ट आना चाहिए उसके लिए आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटन इसमें ऐड करना होगा एक किलो मैंने यहाँ चावल लिए हैं आप लोग सोच रहे होंगे इतने ज़्यादा चावल दो लोगों के लिए नहीं भाई दो लोग नहीं खाएंगे बहुत से लोग खाएंगे जैसे इसके नसीब में होगा ना वहाँ तक पहुँच जाएगा सारा कुछ ना बस जैसे ही मटन को अच्छे से भून लिया उसके बाद इसमें जो वो आपने पानी ऐड करना है पानी इतना ऐड करना है ये एक बहु जो है वो मटन के लिए और बाकी आपने चावल के मुताबिक शामिल कर लेना है इस तरह से जो वो आपका पुलाव बहुत ही मज़े का और यूनिक बनता है बस उसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी होगी तो क्या आप लोग अगर पिकनिक वगैरह पे निकलते हैं तो कुकिंग करते हैं यकीिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत कौन करे इसके साथ थोड़ा सा मैंने रासपाइसिस ऐड कर दिए मिक्स पिसे हुए जो मैं घर से मसाला तैयार करके लाई थी मुझे पता था मुझे वहाँ टाइम नहीं मिलने वाला तो कुकिंग करना मुश्किल नहीं है लेकिन स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ हैं तो फिर कोशिश करें उनको बाहर का खाना कम से कम खिलाएँ और अपने हाथ का मजेदार सा खाना सर्व करें ताकि आपके बच्चे हेल्दी रहें खुश रहें और आप भी खुश रहें जैसे कि मटन अच्छे से गल गया उसके बाद आपने इसमें चावल शामिल करने यहाँ के लोग सारी कुकिंग प्रेशर कुकर में करते हैं उसके बाद जैसे जोशा गया चम्मच चलाया और इसके बाद यूँ स्टेज आ गई दम दिया बीस मिनट का मैंने यहाँ और बीस मिनट के बाद बेहतरीन मज़ेदार से चावल तैयार हो चुके हैं अगर आपको ये मज़ेदार से लंबे वाले साफ़ सुथरे चावल चाहिए तो आप हमारे नंबर पर रबा कर सकते हैं हमारा नंबर है ज़ीरो डबल थ्री डबल सिक्स डबल वन ट्रिपल ज़ीरो टू तो अपने पसंदीदा चावल घर बैठे मंगवा सकते हैं हम लोग आने वाले हैं आज का शाम का खाना उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी इसी के साथ हमें जैसा दीजिए अपना ख्याल रखिएगा अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा खुश रहें आबाद रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़